हेलो एवरीवन, इस रीडिंग में ये चेक करेंगे आपके जो पर्सन हैं अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करेंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, सोच क्या रहे हैं आपके बारे में आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्गुमेंट्स हुआ है, ये जो कन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट्स हुआ ये चीटिंग की वजह से हो सकता है, ओके, झूठ बोलने की वजह से हो सकता है, आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला, चीट किया, आपको धोखा दिया, ठीक है, कुछ बातें छिपाई, ऐसा हो सकता है, या किसी चीज़ से भाग रहे थे, ओके, किसी चीज़ से भाग रहे थे, सही से आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे थे, सही से आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, कुछ बातें छिपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे या चीट कर रहे थे आपको, यह रीज़न हो सकता है आप दोनों का फाइट होने का, ठीक है। या तो इस पर्सन को ये लगा कि आप इनको चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, या झूठ बोल रहे हो, या इनसे भाग रहे हो, इनको ग्रांटेड ले रहे हो, इन्होंने ऐसा किया, या तो इस पर्सन को ऐसा आपसे लगा, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच फाइट होने का। आपके पर्सन मुझे ये सब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है अब तक आपके पर्सन मुझे फाइट के बारे में, इस कन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेथ डेफिनेटली का इसी पर्सन डिसअपॉइंट है, ओके, भले इस पर्सन के खुद के वजह से हुआ है आप दोनों का फाइट, ये इन्होंने खुद रिश्ते का एंड किया, या फैमिली नहीं मानी, ऐसा हो सकता है, ओके, फैमिली चाहते हैं आपके साथ पर नहीं बना पा रहे हैं, ओके, सेलिब्रेशन चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ, ओके, या ये पर्सन आपके ड्रीम है, आप चाहते हो उस पर्सन के साथ फैमिली, ये कभी आप दोनों नहीं चाहा था, सोलमेट ने कनेक्शन फील किया था, इनके साथ आपकी लव रिलेशनशिप को काफ़ी लंबा वक्त हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है, पहले ये पर्सन आपके फ्रेंड रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि पहले आप दोनों फ्रेंड्स रहे, ओके, धीरे धीरे स्टार्ट हुई, तो ये पर्सन का विश है, ओके, इस पर्सन का विश है आपके साथ वापस से आना, मुझे ये आपके एक्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डेथ आया है 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन का विश है आपके साथ फैमिली बनाना, ठीक है, फैमिली क्रिएट करना या फ्रेंडशिप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, बट आपके टच में ज़रूर आना है, ओके, यहाँ पर अगर फैमिली इशू है, फैमिली की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, आप दोनों का मैरिज नहीं हो पा रहा है क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो ये ठीक है, बैलेंस बनाएंगे भी, बैलेंस्ड रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, ठीक है, पहले आपका रिलेशनशिप अनबैलेंस्ड था, ठीक है, इक्वल गिवन टेक नहीं था यहाँ पर अब होगी, पहले कोई एक पर्सन मैच्योर हो सकता है, ये हो सकते हैं, या तो इनको लगा कि आप हो, ओके, आप काफ़ी रूड, काफ़ी रफली बात करते हो इनसे, या ये रहे हैं आपके प्रति, इस पर्सन ने मैच्योर बिहेव किया है, ओके, जो आप चाहते थे कमिटमेंट, सॉलिड ऑफर, इस पर्सन ने आपको नहीं दिया कभी, तो अब ये पर्सन आपको वो देना चाहते हैं, ठीक है, और वो नहीं दे पाए हैं, आपसे शादी नहीं कर पाए हैं अगर ये, या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये पर्सन मुझे डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं, भले खुद ही इस पर्सन ने मूव ऑन किया, पर ये पर्सन आज नाखुश है, आपका साथ वापस से चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो चाहते ही हैं ये, सेलिब्रेशन ज़रूर चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, शादी चाहिए, मैरिज चाहिए, अगर आप दोनों सिंगल हो तो, आप दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड ऐसा हो सकते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम चल रही है इनका किसी के साथ, आपके साथ भी इधर फाइट हो गई, ठीक है, तो आपकी पर्सन फाइट करके खुश नहीं है, ठीक है, आपसे फाइट करके खुश नहीं है, तो ये कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आप दोनों साथ में आ सको, अपनी विश ज़रूर पूरी करेंगे ये पर्सन, ठीक है, अगर आप और ये सिंगल हो तो मुझे मैरिज होते हुए दिखाई दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है, आपको वो मिल रहा है जो आप चाहते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, या कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जिनसे आपकी शादी होगी, या तो आपकी शादी होने जा रही है एक सही पर्सन के साथ, और अभी पर्सन काफ़ी डर रहे हैं कि इस पर्सन आपको खो दिया है, ओके, या आपकी कहीं और मैरिज हो जाएगी, ये पर्सन मुझे डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप किसी को पसंद करने लगे तो, किसी से शादी कर ली तो, किसी से फ्रेंडशिप कर ली तो, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हो, या आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, इन्होंने ऐसा सुना है, ठीक है, वो झूठ भी हो सकते हैं, पर इन्होंने ऐसा कुछ सुना है, तो ये पर्सन मुझे
मायूस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ज़रूर होने वाली है, आपकी कोई विश ज़रूर पूरी होने वाली है, ठीक है। अगर ये पर्सन आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो, राइट हो, तो इनके साथ ही आपके साथ ही आपका कंप्लीशन होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच सेलिब्रेशन होगा, कुछ ऐसा होगा जिसको आप और ये आपकी फैमिली सेलिब्रेट करेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए दिखाई दे रहा आप दोनों, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो ज़रूर होगी आप दोनों के बीच। अगर मैरिज नहीं हो पा रही है तो फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स ज़रूर बनना चाहते हैं ये। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, टेक केयर।